नमस्कार। लॉकडाउन 4 को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं कि उसका स्वरूप क्या होगा, कितना बदला हुआ होगा, इसको लेकर के बहुत सारी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि इसमें क्या कुछ तब्दीली आएगी, क्या कुछ ढील दिया जाएगा और किस तरह का उसका स्वरूप होगा। और इसी को लेकर के कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हेल्थ सेक्रेटरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हैं राज्यों के डीएम एसपी और म्यूनिसिपल जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उनके साथ। और ये तकरीबन 30 ऐसे म्यूनिसिपल एरिया हैं जिनमें ज्यादा केसेज हैं, उनके डीएम एसपी और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के साथ उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में इस बात पे चिंता जताई गई है कि जो ये 30 म्युनिसिपल एरिया है वहां पर 79% अगर टोटल केस का देखा जाएगा, 79 यानी तकरीबन 80% मामले वहीं से आए हैं और ये एक चिंता का विषय रहा है। इसी वजह से कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव उन 30 जो म्युनिसिपल एरिया है उनके डीएमएसपी और मेडिकल ऑफिसर के साथ बात करके एक चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वहां पर स्ट्रेटजी को अपनाया जाए और कैसे वहां पर मामले को कम किया जाए और उसके लिए कंटेनमेंट एरिया या बाकी और सब जो स्ट्रेटजी है उस पर बातचीत होगी, क्योंकि अब माइग्रेट करके लोग जो गए हैं वो भी अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, इसके अलावा विदेशों से भी अपने नागरिकों को लाया गया है, तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संक्रमण कोरोना के संक्रमण का फैलाव न हो और उनको लोकल लेवल पर ही रोका जाए। और ये जो 30 एरिया है वहां सबसे ज्यादा केसेज है, तकरीबन 80% जो है कोरोना के मामले वहीं पे हैं, तो ऐसे में कल का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी के आधार पर लॉकडाउन 4 का एक स्वरूप भी तय होगा।